गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विल बी स्टडिंग क्लास टू सेमेस्टर टू, विल बी स्टडिंग इंग्लिश सब्जेक्ट एंड विल बी स्टार्टिंग विथ लेसन नंबर 3. द नेम ऑफ द लेसन इज प्लांट्स. अब स्टूडेंट्स, प्लांट्स का मतलब क्या होता है? प्लांट्स का मतलब होता है पेड़ पौधे. ये सब जो आप देख रहे हो ना पिक्चर, ये सब एक प्लांट्स हैं. तो अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं विद द स्टार्टर खेल. सो शो योर पार्टनर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट. तो यहाँ पे है ना, मैं आपको देखो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स बताऊंगा. सबसे पहला है स्टूडेंट्स रूट्स. तो रूट्स का मतलब क्या होता है? ये जो सॉइल है, सॉइल के नीचे जो पेड़ की जड़ रहती है उसे हम कहते हैं रूट्स. नेक्स्ट नंबर 2 इज स्टेम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेम? ये जो पेड़ की डालियाँ होती हैं इन्हें हम कहते हैं स्टेम. नंबर 3 लीव्स. लीव्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन कलर की है इसे हम कहते हैं लीव्स. लीव्स का मतलब होता है पत्तियाँ. जो पत्ती उगती हैं पेड़ पे, पौधों पे, उसे हम कहते हैं लीव्स. नंबर 4 फ्लावर्स. फ्लावर्स, हियर आर द फ्लावर्स, दीज आर पिंक कलर. नाउ फ्लावर्स का मतलब होता है फूल जो पेड़ पे उगते हैं. नेक्स्ट, व्हाट डू यू सी फ्लाइंग अबाउट द फ्लावर्स? आप फ्लावर्स के ऊपर क्या उड़ता हुआ देख सकते हो? हम फ्लावर्स के ऊपर बटरफ्लाई को उड़ता देख सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. नाउ गेट सेट. मिसेस जूही हैज ए लवली गार्डन. ये मिसेस जूही हैं और इनके पास एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन है. नंबर नेक्स्ट लाइन, इट इज़ एट द बैक ऑफ हर हाउस. ये जो गार्डन है मिसिज जूही का, ये इनके घर के पीछे की साइड पे है. नेक्स्ट, देर आर मैनी प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन इट. मिसिज जूही के गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं और उस प्लांट्स पे बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. मिसिज जूही फिनिशेज हर वर्क इन द इवनिंग. मिसिज जूही अपना घर का सारा काम इवनिंग मतलब शाम को सब ख़त्म कर लेती है. देन शी लव्स टू सिट इन द गार्डन. उसके बाद अपना काम फिनिश करने के बाद मिसिज जूही को गार्डन में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है. नेक्स्ट, वन इवनिंग मिसिज जूही वॉज सिटिंग इन हर गार्डन. एक दिन शाम को मिसिज जूही अपने गार्डन में बैठी हुई थी. हर लिटिल डॉटर, उनकी एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है रोजी, वॉज ऑल्सो विथ हर. मिसिज जूही के साथ उनकी बेटी रोजी भी गार्डन में उस दिन आई थी. रोजी वॉन्टेड टू प्लक वन बिग फ्लावर. तो रोजी क्या करना चाहती थी? एक बड़े से फ्लावर को प्लक करना चाहती. प्लक मतलब तोड़ना. जैसे हम पेड़ पे से कभी फूल तोड़ते हैं ना, ऐसे उसको बोलते हैं प्लक. तो रोजी फ्लावर को प्लक करना चाहती थी, मतलब वो फ्लावर को पेड़ से तोड़ना चाहती थी. नेक्स्ट, मॉम शी सेड मे आई प्लक दिस फ्लावर. तो रोजी ने अपनी मम्मी को पूछा, मम्मी क्या मैं ये फ्लावर को प्लक कर लूँ? मम्मी क्या मैं इस फ्लावर को तोड़ लूँ? हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. मम्मी देखो ना ये फ्लावर कितना खूबसूरत है, ऐसा रोजी ने अपनी मम्मी को कहा. नेक्स्ट, मदर नो डियर डोंट प्लक एनी फ्लावर्स एट दिस टाइम. नहीं बेटा, इस वक्त आपको फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए. नो डोंट यू नो प्लांट्स गो टू स्लीप एट नाइट. क्या आपको नहीं पता रोजी बेटा कि प्लांट्स भी रात को सोते हैं? रोजी, मॉम डू प्लांट्स ऑल्सो स्लीप. तो रोजी बोलती है, मम्मी क्या प्लांट्स भी सोते हैं क्या? तो रोजी की मम्मी, मतलब उनका नाम है मिसिज जूही, तो मिसिज जूही बोलती हैं, जो कि उनकी मदर है, येस ऑल प्लांट्स स्लीप लाइक अस. सभी प्लांट्स हमारी तरह सोते हैं. एंड दे फील पेन एंड प्लेजर लाइक अस. प्लांट्स को भी हमारी तरह फील पेन मतलब उनको दर्द होता है, एंड प्लेजर लाइक अस, और जैसे हमें खुशी में महसूस होता है ऐसा प्लांट्स को भी महसूस होता है. तो रोजी बोलती है, मॉम हाउ कैन यू से दैट. तो रोजी बोलती है, मम्मी आप ऐसा कैसे बोल सकती हो कि पेड़ों को भी हमारी तरह दर्द होता है और वो भी खुश होते हैं? तो फिर मदर बोलती है,
जेसी बोस प्रूव ऑल दिस, मदर ने कहा कि जेसी बोस है ना, उन्होंने ये सब साबित किया है। ही प्रूव इट बाई हिज एक्सपेरिमेंट्स, तो जेसी बोस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने ये सब कुछ साबित किया कि प्लांट को भी दुख दर्द होता है और उन्हें भी खुशी महसूस होती है। तो रोजी बोलती है, मॉम हु वॉज जेसी बोस, मम्मी जेसी बोस कौन थे? सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। सो अब जब रोजी ने पूछा कि मम्मी जेसी बोस कौन थे, तो मदर बोलती हैं, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, जेसी बोस एक इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो रोजी बोलती है, व्हाट डिड ही प्रूव, तो मम्मी जेसी बोस ने क्या प्रूव किया, आप मुझे बताओ। तो मदर बोलती है कि ही प्रूव मैनी थिंग्स अबाउट प्लांट्स, जेसी बोस ने प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ही प्रूव दैट प्लांट्स स्लीप लाइक अस, जेसी बोस ने बताया कि प्लांट्स भी हमारी तरह सोते हैं। दे ऑल्सो फील सैड एंड हैप्पी लाइक अस, जेसी बोस ने ये बताया कि प्लांट्स भी हमारी तरह, उन्हें भी हमारी तरह दुख होता है और उन्हें भी हमारी तरह खुशी मतलब हैप्पी फील होता है। रोजी बोलती है, हाउ इंटरेस्टिंग, वाओ मम्मी ये तो कितनी अच्छी बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। व्हाट एल्स डिड ही प्रूफ, मम्मी उन्होंने और क्या प्रूफ किया, आप मुझे बताओ ना। नेक्स्ट फिर मदर बोलती हैं, ही प्रूव दैट प्लांट्स ईट एंड ड्रिंक लाइक अस, तो मम्मी ने बोला कि जेसी बोस ने ये भी प्रूफ किया कि प्लांट्स हमारी तरह ईट मतलब खाते हैं, ड्रिंक मतलब पीते हैं। दे ड्रिंक वाटर बाय देयर रूट्स, तो प्लांट्स पानी कैसे पीते हैं, तो प्लांट्स जो है ना वो अपनी रूट्स मतलब जो उनकी जड़ है जो मिट्टी के अंदर रहती है उसके थ्रू प्लांट्स वाटर ड्रिंक करते हैं। इसके लिए हम जब प्लांट्स को पानी देते हैं ना तो हम उनके ऊपर नहीं, हम ज़्यादा उनके ज़मीन मतलब उनकी ये ज़मीन पर डालते हैं ताकि वो पानी उनके रूट्स तक चला जाए। दे ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स, ये जो प्लांट्स होते हैं ना वो सांस लेते हैं कहाँ से, अपनी लीव्स मतलब अपनी पत्तियों से। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स को अपना खाना सॉइल मतलब मिट्टी, प्लांट्स को अपना पूरा खाना इस मिट्टी सॉइल से मिल जाता है। दे ईट ड्रिंक एंड फील लाइक अस, प्लांट्स हमारी तरह ही खाना खाते हैं पीते हैं और उन्हें हमारी तरह ही सब कुछ महसूस होता है जैसे सब हम महसूस करते हैं। ओनली दे डोंट मूव लाइक अस, सिर्फ इतना फ़र्क है प्लांट्स में कि वो हमारी तरह चल फिर नहीं सकते और वो बोल भी नहीं सकते। नेक्स्ट रोजी बोलती है, थैंक यू मॉम, जितनी भी जानकारी रोजी की मम्मी ने रोजी को दी तो रोजी अपनी मम्मी को थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट You have told me so much about plants. Thank you, mummy. आपने मुझे plants के बारे में इतना सब बताया. I shall never give them pain. आज के बाद मम्मी मैं plants को कभी भी pain नहीं दूंगी. I shall always love and take care of them. आज के बाद मम्मी मैं हमेशा plants से प्यार करूंगी और take care मतलब मैं उनका ध्यान भी दूंगी. मदर बोलती है, यस दैट्स लाइक ए गुड चाइल्ड, वेरी गुड, ये होने में एक अच्छे बच्चे जैसी बातें। नाउ आई शैल टेल यू अ वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट प्लांट्स, तो रोजी की मम्मी बोलती है कि अब मैं तुमको एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग बताऊंगी अबाउट प्लांट्स, स्ट्रेंज मतलब सबसे अलग, कुछ अलग बात प्लांट्स के बारे में अब रोजी की मम्मी उनको बताने वाली है। तो रोजी की मम्मी ये कौन सी बात उसको बताती है ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।